सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। सो गाइज, अब बचे हैं सीजन में मात्र 38 डेज। सो एक एक करके दिन जो है बीतता जा रहा है, और आज है 5th of June यानी कि इन्वायरमेंट डे। तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार की थीम क्या रखी गई है, तो इसका आंसर होगा इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अगर आपको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लेना। सो आज मुझे जो जो टॉपिक डिस्कस करना है मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे वॉकअप में सिनोनिम्स, वन वर्ड और एडियम्स, इसके जितने भी ब्लैक बुक में आते हैं ना मोस्ट रिपीटेड, वो मुझे 1 से लेकर 50 तक लर्न करने हैं, वन वर्ड का भी, सिनोनिम्स का भी और एडियम्स का भी। उसके बाद मैथ में मुझे आज डिस्काउंट कंप्लीट करना है। देन फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी लर्न करना है, इलेक्ट्रिसिटी को मैं 2 दिन दूंगा, ठीक है, तो आज उसका फर्स्ट डे है। देन ज्योग्राफी में मुझे आज रिवर लर्न करना है, उसके बाद पॉलिटी में गवर्नर, देन इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन लर्न करना है, करंट अफेयर का मेरे को आज मार्च का रिवीजन करना है, देन कैलकुलेशन की एक शीट वो कंप्लीट करनी है, 15 से 20 मिनट उसको देने हैं मुझे आज। देन हिस्ट्री में आपने सुना होगा सिलेब डायनेस्टी के बारे में, जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं स्पेशली SSC के एग्जाम में, तो मुझे वो आज कंप्लीट करना है। एंड सबसे लास्ट मुझे मॉक देना है। एंड इसके साथ साथ मेरा एग्ज़ाम भी आने वाला है 8th of June को, आपको बताया था मैंने, PG सेकेंड ईयर का, तो 8 को है, 9 को है और 10 को है। उसके बाद 13 को मेरा MTS भी है, तो करना तो पड़ेगा। सो मुझे वो भी देखना है, 2-3 घंटे उसको भी देने पड़ेंगे। सो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी में जो आज का टॉपिक है वो है रिवर ऑफ वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे एशिया की सबसे लंबी नदी ये पूछ सकते हैं, या फिर यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बोलगा नदी की लंबाई कितनी है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे मैप बना रखा है। अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक के बारे में, तो इसमें आपको एशिया के रिवर के बारे में, देन यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो इसमें जितनी भी नदियाँ बहती है, कौन सी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और किसकी कितनी लंबाई है, तो इस चैप्टर से आपको बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी कंप्लीट होने वाला है। सो इसके बाद अपने को लर्न करना है ब्लैक बुक से तीनों सेक्शन, यानी कि वॉकअप की बात कर रहा हूँ मैं, वन वर्ड, एडियम्स और सिनोनिम्स। अच्छा, अगर आपके पास ब्लैक बुक होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि ब्लैक बुक में जैसे वन वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें टोटल 1400+ वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो याद करने के बाद जैसे आप 2-3 पेज नेक्स्ट करोगे ना, तो वहाँ पे आपको लिखा आएगा 200 मोस्ट रिपीटेड OWS यानी कि वन वर्ड इन SSC एग्ज़ाम, तो आपको वो याद करना है, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सो मुझे आज उस 200 में से 50 याद करने हैं, वन वर्ड, देन एडियम्स और सबसे लास्ट में सिनोनिम्स। तो सबसे पहले मैं एक बार वन वर्ड याद कर लेता हूँ, 1 से लेकर 50 तक। इससे पहले भी मैं इसे एक दो बार लर्न कर चुका हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था इसको रिवाइज़ करे हुए, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्या पता एग्ज़ाम में यहीं से आ जाए क्वेश्चन, ऐसा हो सकता है ना। सो अभी एग्ज़ाम भी MTS का 13th of June को, देन फिर अगले मंथ CGL है, CGL तो सबका होगा, MTS मेरे ख्याल से, देखा था मैंने कमेंट, आप लोगों ने कमेंट किया था, कई सारे भाई ऐसे हैं जिनका जून में भी एग्ज़ाम है, 13 से लेकर 19 तक चलने वाला है, 19 या 20 तक, मेरे ख्याल से 19 लास्ट है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ वन वर्ड का, इसका आंसर आप कमेंट में करना। क्वेश्चन ये है, ए पर्सन हु ड्रॉ और मेक्स मैप, मतलब एक ऐसा बंदा जो मानचित्र वगैरह बनाता है उसे क्या बोलते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होगा आप लोगों को, तो अगर आप पता है तो कमेंट जरूर करना। सो फाइनली मेरा आज का सिनोनिम्स, वन वर्ड और एडियम्स वो तीनों कंप्लीट हो चुका है। अब अपने को करना है मैथ। मैथ में जो आज का टॉपिक है वो है डिस्काउंट, तो मैंने इस कॉपी में डिस्काउंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रखे हैं, और इसमें प्लस थ्योरी भी लिखी हुई है। इसमें वो क्वेश्चन है जो CGL में आए हैं और CHSL में आए हैं स्पेशली, और कुछ MTS के क्वेश्चन भी हैं। इसमें ज़्यादा नहीं है, मतलब 30-40 क्वेश्चन होंगे, प्लस ये जो मेरे पास बुक है आदित्य सर की CGL वॉरियर, इसमें भी 50+ क्वेश्चन है, मतलब डिस्काउंट के। सो मुझे आज इन दोनों को सॉल्व करना है, सो इसे मैं बाद में कर लूँगा। एंड जो आज का अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी, मुझे लर्न करना है फिजिक्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें मैंने 2 दिन दिए हैं, सो आज मेरा इसका पहला दिन है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, जैसे कोलम्स लॉ के बारे में पूछ देगा, या फिर इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मेजर करते हैं, रेसिस्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है ना, तो इससे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। सो अपने को पहले ये कंप्लीट करना है, इसमें ज़्यादा नहीं 12 से 13 टोटल पेज हैं, सो मुझे आज 5 से 6 पेज लर्न करने हैं, देन कल फिर 5 से 6। अच्छा, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे रेसिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, तो इसका आंसर होगा ओम। एंड उसके अलावा रेसिस्टिविटी जो होती है ना, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो ये टेम्परेचर पे और दूसरा नेचर ऑफ मैटर पे, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो फाइनली आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब अपने को लर्न करना है पॉलिटी में, पॉलिटी में लर्न करना है आज गवर्नर के बारे में, तो गवर्नर से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, गवर्नर से आता है, CM से आता है,
तो मुझे गवर्नर आज यानी कि राज्यपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं, जैसे आर्टिकल 152 पोस्ट ऑफ गवर्नर की बात की गई है उसी, एंड ठीक वैसे ही आर्टिकल 153 जिसमें यह कहा गया है कि एक से अधिक स्टेट के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, यानी कि एक से अधिक स्टेट के लिए एक गवर्नर हो सकता है। एंड अगर मैं कल की बात करूँ तो कल मुझे चीफ मिनिस्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद करने हैं। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे लर्न करना है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जो आज का टॉपिक है वो है आपको प्रीपोजिशन। इससे पहले मैंने प्रीपोजिशन को 2 से 3 बारी ऑलरेडी लर्न कर रखा है, लेकिन एग्जाम में ये होता है ना कि यार आप रूल्स भूल जाते हो, इसलिए रूल्स मतलब बार बार रिविजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की तो इस चैप्टर में टोटल 5 से 6 पेज होंगे। सो मुझे आज 3 पेज लर्न करना है, देन कल फिर मुझे 3 पेज लर्न करना है। सो फाइनली मेरा आज का जो टॉपिक है यानी कि मैं बात कर रहा हूँ प्रीपोजिशन की, वो कंप्लीट होने वाला है। सो इसके बाद अपने को लर्न करना है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है वो है आपको गुलामंस के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे आपसे ये एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि गुलामंस जो था वो कब से कब तक चला था, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ, 1206 से लेकर 1290। या आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार जो बन रहा था ना, उसका काम पूरा किसने करवाया था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना इसका आंसर। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा या तो फिर इल्तुतमिश होगा, तो दोनों में से एक आंसर है, आराम से बता सकते हो। सो इसके अलावा इसमें और कुछ चीज़ें बच गई हैं, जैसे मुझे मॉक लगाना है, देन फिर कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं बाद में कंप्लीट कर लूँगा। सो गाइस वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।